अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाजिर हैं जी नया वीडियो नया टॉपिक लेकर। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मैं खड़ा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ये जिसको हम बोलते हैं बस अड्डा, जो पब्लिक की सारी ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से निकलती है। देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारी बस खड़ी हैं जो कि पूरे सिटी को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर ये पीछे वो वर्कशॉप भी है, बहुत बड़ी वर्कशॉप है, किसी किस्म का कोई मेंटेनेंस यहीं पर करते हैं। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये मतलब वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हम इस सिटी से मूव हो रहे हैं, हमारा काम इस सिटी से ख़त्म हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट सिटी, अभी देखें कंपनी कौन सी सिटी में लेकर जाती है नेक्स्ट, लेकिन यहाँ से हम मूव हो रहे हैं। तो जहाँ पर होते हैं मूव वो सिटी भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो भी अपडेट होगी मंडे तक इंशाल्लाह उम्मीद है हम यहाँ से मूव करेंगे। अभी ये सारा सामान इस गाड़ी में लोड करना है और ये गाड़ी एक दो दिन तक यहाँ से मूव हो जाएगी नेक्स्ट सिटी। अभी हमको कंफर्म नहीं है कौन सा सिटी लेके जाते हैं, शायद बकाऊ लेके जाएं या शायद बुकारेस्ट लेके जाएं, वो वक़्त वही होगा जब जाएंगे यहाँ से निकलेंगे फलां सिटी के लिए निकलने हैं तो फिर पता चलेगा। तो देखें ये हमने सारा सामान लोड करना है कि ये जो जगह है ये हमारी कंपनी ने यहाँ से रेंट पे ली हुई थी थोड़ी सी इनसे, ये स्टॉप पे ये जहाँ पे जो बसेस का जो अड्डा है ना, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी यहाँ से निकलती है, हर नंबर की बस यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये देखें ये सारी बसेस मुख्तलिफ रूट की यहाँ पर खड़ी हैं। सो वो ये पीछे ये जो आपको नज़र आ रही है बहुत बड़ी वर्कशॉप है, जो भी किसी किस्म की मेंटेनेंस हो इसी वर्कशॉप पे होती है। तो ये जो जगह है ना बहुत बड़ी जगह है, सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये हमारी कंपनी ने ली हुई थी यहाँ से जगह रेंट पे इनसे अपना सामान स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो फैक्ट्री यहाँ पर सामान बनता है वो काफ़ी दूर है। तो ये सारा ये जो टूल्स हैं ये मतलब ट्रक, ये ट्रैक्टर वगैरह, और पीछे और एक गाड़ी खड़ी है वो दूसरा ट्रैक्टर, ये सब जो है ना ये कंपनी के टूल्स हैं। और ये जगह कंपनी ने रेंट पे ली हुई है यहाँ से, ये सारे जो रोड पे काम कर रहे हैं तो साइन बोर्ड जो पड़े हैं। अभी यहाँ पर हमारा आने का मकसद ये था कि ये सारे टूल्स जो हैं उस ट्रक में जो है ना हमने लोड करने हैं। तो जो सारा सामान है वो हमने लोड करना है, अभी वो पीछे गाड़ी खड़ी है हमारी जिस पे हमने ट्रैवल करना होता है सीमेट्री का। सो ये सारा जो सामान है हमने इस ट्रक पे लोड करना है क्योंकि हम इस सिटी से मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सिटी, जहाँ पर कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिला है, नया काम मिला है, साइन बोर्ड वगैरह, ये जो बच्चा कुचा सारा सामान, ये इंटरलॉक टफ टाइल जिसको बोलते हैं, वो वल्डोरे पड़े हैं छोटे, ये सारा सामान हमने इस पे लोड करना है ये ट्रैक्टर के साथ। सो नेक्स्ट एक दो दिन तक इंशाल्लाह मंडे तक हमने इस सिटी से मूव हो जाना है। सो ये बहुत बड़ा एरिया है यहाँ, ये बिल्कुल सिटी का सेंटर है, सिटी के सेंटर में ये बहुत बड़ा एरिया जो कि आई थिंक ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये यहाँ पर गवर्नमेंट का शेड्यूल किया हुआ सिस्टम है सारा। सो मे बी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या गवर्नमेंट की, मतलब कि ये यहाँ पर हो सकता है रेंट पे हो या इनकी अपनी हो, लेकिन ये हमारी कंपनी ने जो ये जगह यहाँ पर रेंट पे ली हुई है ना, इसीलिए ली हुई थी कि शहर में कोई अगर सिटी में काम कहीं भी चल रहा हो तो यहाँ से सामान मूव करना आसान हो जाए, क्योंकि फैक्ट्री से सिटी से थोड़ी दूर है। सो वहाँ से सामान सप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगता है, यहाँ से सामान उठाकर जहाँ भी सिटी की जिस साइड पे भी ज़रूरत हो वो गाड़ी के थ्रू वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारी कंपनी ने जगह रेंट पर ली हुई है। आ,
confusor, dá um confusor, se põe isso aí, põe isso, até o menino, me queria. वो भी देखें किस सिटी में मूव होते हैं। ये ड्राइवर है इस ट्रक का। अभी सामान हो गया सारा लोड। सो मौसम काफ़ी मज़े का बना, बादल फुल बादल बना। इसी भी वक्त बारिश आ सकती है, सर्दी काफ़ी बनी हुई है। सो अभी ये कचरा उठाएंगे, ये सारा उठा के इसमें डाल के ये जगह इनको क्लीन करके देनी है आज। बड़ा एरिया, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं जो कि मुख्तलिफ रूट पर मुख्तलिफ नंबरों की निकलती है। देखो जी कंपनी ब्रांड न्यू लै गया, ये केस कंपनी का है ट्रैक्टर, ब्रांड न्यू आया, लगभग दो दिन पहले ही डिलीवरी हुई है इसकी। देखो ना ये तो ड्राइविंग सीट तो कवर भी नहीं उतरिया, ब्रांड न्यू है। क्योंकि दो तीन पहले ही ऐसा ना सिटी च दो आए ने, बल्कि दो ने कंपनी खरीदे केस कंपनी दे, एक दूसरे सिटी चला गया, एक इत्थे आया। सो ए वेखो ना ये 73,000 यूरो दा खरीदया गया केस कंपनी दा ट्रैक्टर, ब्रांड न्यू, अभी तक यूज़ नहीं हुआ है एक दफ़ा भी, दो दिन पहले ही डिलीवरी हुई है इसकी, यहाँ पर ये आया है तो ब्रांड न्यू है बिल्कुल, केस कंपनी का दो आए हैं। सो एक जो है वो 73,000 यूरो का है,
ये बॉबकेट है, ये पीछे सारा जो ट्रांसफर, ये सारी ये वर्कशॉप है, ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी जगह है, जो शायद किसी की प्रॉपर्टी या प्राइवेट या गवर्नमेंट की जगह, ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो यहाँ से ही सारी निकलती है। हाय हसन, हाय हसन, हाय हाय विर्जुल, हाय हाय रिपदे। ये जी तो अभी यही था, इंशाल्लाह मूव हो रहे हैं एक दो दिन से यहाँ से, फिर नए सिटी चलते हैं, फिर नए सिटी का विज़िट करवाएंगे आपको इंशाल्लाह, कुछ नई खबरें आएंगी नई सिटी की, तो मंडे तक हो सकता है इंशाल्लाह यहाँ से हम कूच कर जाएं इस सिटी से।